दोस्तों, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक्स में। दोस्तों, आज मैं आपको गूगल मीट्स ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। ये बहुत ही अच्छी ऐप है, जो कि जूम क्लाउड मीटिंग की एक अल्टरनेटिव ऐप है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। आपको सुना होगा, अभी जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में कुछ सिक्योरिटी के इशू चल रहे हैं, चक्कर में लोग उसको यूज़ करने से डर रहे हैं। तो ये गूगल मीटिंग ऐप बहुत ही सिक्योर ऐप है, ये गूगल की तरफ से यूज़ किया गया है, गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है। बहुत ही ईजी एंड स्मूथ उसको यूज़ करने का प्रोसेस है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा आप कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे और कैसे आप कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे आगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। गूगल मीट ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको ये देख रहे हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। सिंपली इसको यहाँ पर आपको लॉक खोलना है एंड देन कंटिन्यू बोलना है। ये लिखा है वेलकम टू मीट, देन कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो एक तो कैमरे की एंड देन ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये दो परमिशन मांगेगा। उसके परमिशन देने के बाद ये आपकी गूगल है, गूगल जो आईडी बनी हुई है उससे लॉग इन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लॉग इन हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं थ्री डॉट्स बने हुए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर जाएंगे, ये मेरी आईडी आ चुकी है। आप चाहें तो कोई डिफरेंट आईडी लॉग इन करना चाहते हैं तो ऐड अनदर अकाउंट कर सकते हैं एंड दूसरी भी आईडी यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। ये वैसे अभी गूगल अकाउंट से चल रहा है, पहले ये गूगल सूट जी सूट की एक वेब आईडी बनानी पड़ती थी, उसके साथ ये चलता था। तो ये एक तो दोस्तों ये सिंपल ही लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये सामने जो दो ऑप्शन बने हैं, एक की आईडियो का है म्यूट ऑफ हो गया है, मतलब ये माइक ऑफ हो चुका है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो मेरी आवाज़ अब नहीं जाएगी, सिर्फ मेरी वीडियो जाएगी। अगर आप यहाँ से उसको हटा देंगे तो अब मेरी आवाज़ जाना चालू हो जाएगी। एंड देन ये वीडियो के लिए बना हुआ है, अगर आप कैमरा बंद करना चाहते हैं अपना कि आपकी सिर्फ वॉइस जाए और आपका आप फ़ोटो नहीं जाए, तो आप यहां से बंद कर देंगे तो नॉर्मल कुछ नहीं जाएगा, सिंपली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और वापस ऑन करना चाहते हैं तो यहां से वापस ऑन कर पाएंगे। आज तो दोस्तों यहां पर आप देखिए सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको सिंपली एक ही ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन नहीं है सेंड मोर, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे एक तो आपकी आईडी आ गई, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं एंड हेल्प करना चाहते हैं हेल्प से, कुछ आपको टॉपिक्स से होंगे प्री डिफाइंड, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आपको पूरी वहाँ से मिल जाएगा सिंपली। ये सिंपल लॉगिन हो चुका है, यहाँ से आप जो लिखा है न्यू मीटिंग, तो यहाँ से मीटिंग ऑन कर पाएंगे या क्रिएट कर पाएंगे अपनी मीटिंग, मैं आपको वो भी बताऊँगा आगे जाके। पर फर्स्टली मैं आपको पूरे फीचर्स बता देता हूँ उसके। ये देख सकते हैं दोस्तों मीटिंग ऑन हो चुकी है। अब जो जो कोई भी मीटिंग ऐड करता जाएगा तो ये जो मेरा नाम लिखा है एसेट टेक, इसके नीचे सब ज्वाइन होते जाएंगे, जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑन करेगा या ज्वाइन करेगा। ये मैसेज, अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं नॉर्मली हेलो एवरीवन एंड जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिंपली यहां से हेलो लिखेंगे तो पूरे उसको सब में देखना चालू हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप डायरेक्ट इसको यहां से शेयर कर सकते हैं, शेयर में जाके आप जोन से भी अपने सॉफ्टवेयर से उसको शेयर कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि नॉर्मली टेक्स्ट दे दें तो ये लिखा हुआ है TES/MQKY इस ये देंगे तो इससे वो लॉगिन हो जाएगा या ज्वाइन कर लेगा मीटिंग को सिंपली। एक तो ये हो गया है, आप देखेंगे यहाँ से एंड हो जाएगा कॉल, ये जो बना है ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी स्पीकर पे आप चाहते हैं फोन स्पीकर पे आ जाए तो फोन पे नॉर्मल जो फोन वाला स्पीकर है उसमें आ जाएगा ये आवाज इसकी। ऑडियो ऑफ करना चाहते हैं तो ऑडियो ऑफ हो जाएगी, सिर्फ आपको वीडियोस दिखेगी, ऑडियो कोई नहीं आएगी। देन यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो सब कैंसिल जो आपका प्री डिफाइंड सेव था वहां पर आ जाएगा। कैप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैप्शन भी देख सकते हैं। और जो थ्री डॉट्स लिखा है यहाँ पर, एक तो ये स्विच कैमरे का ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि स्विच कैमरा करना है तो कैमरा स्विच कर सकते हैं आप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देख रहे हैं कैमरा स्विच हो चुका है, आप चाहते हैं वापस कैमरा इधर आ जाए कैमरा यहाँ आ जाएगा। टर्न ऑफ कैप्शन करना चाहते हैं टर्न ऑफ कैप्शन हो जाएगा। एंड देन प्रेजेंट स्क्रीन शेयर, प्रेजेंट स्क्रीन शेयर जो आपकी आप यहाँ से प्रेजेंट स्क्रीन पे करेंगे लाइक स्टार्ट करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल मीट ऐप से आप कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे और कैसे दूसरों को ज्वाइन करा पाएंगे मीटिंग पे। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये मीटिंग क्रिएट कर ली है, आप देख रहे हैं मीटिंग का जो कोड है मेरा ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरे मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद आपको देख करना क्या है, दूसरे मोबाइल में इसको डाउनलोड करना है एंड देन पूरी प्रोसेस करके आईडी वाईडी क्रिएट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑन हो चुका है।
ऑन होने के बाद मुझे यहाँ पर मीटिंग कोड डालना है, जो कि ये वाला मीटिंग कोड है जो मैं आपको बता चुका हूँ। मीटिंग कोड में मुझे पूरा ये मीटिंग कोड डालना रहेगा, जो भी पूरा मीटिंग कोड है ये पूरा आपको डालना है। आप चाहे तो डायरे इसको शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, नॉर्मल मैसेज एंड जो अदर जो से भी आप ऐप यूज़ करते होंगे, देख सकते हैं। करने के बाद मैंने ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर दिया है और ये ज्वाइन मीटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक परमिशन आई है, जब तक मैं यहाँ से ओके नहीं करूँगा तो वहाँ ज्वाइन नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एडमिट करा और आप देखेंगे यहाँ पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो चुकी है। ये दोनों जगह आप देख रहे हैं, दोनों जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मल। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ आप अपना प्रेजेंट स्क्रीन शेयर करना, तो नॉर्मल आपको यहाँ पर जाना है। मैंने आपको पहले बताया था 3 डॉट्स में जाना है, 3 डॉट्स के बाद यहाँ पर प्रेजेंट स्क्रीन पर करना है एंड देन स्टार्ट प्रेजेंटिंग स्क्रीन कर देना है एंड देन यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं कुछ भी चलाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पर दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटिंग चालू हो चुकी है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं दोस्तों जो भी मैं करूँगा ये वहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा, मतलब जो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ प्रेजेंट स्क्रीन पे, या कोई मुझे अटैचमेंट दिखाना है या कुछ भी दिखाना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।